हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में चिकन 65 बिरयानी बनाने की सिंपल और आसान सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए कैसे बनाना है सीख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में एक बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधे छोटे चम्मच काले मिर्च का पाउडर, एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में एक बड़े चम्मच कसूरी मेथी और चिकन मसाला हमें दो छोटे चम्मच डालनी है। इसके साथ ही इसमें मैं दो बड़े चम्मच शेजवान सॉस डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालनी है, आधे छोटे चम्मच सोया सॉस भी जाएगा इसमें, और एक बड़े चम्मच विनेगर डालनी है। इसके साथ ही एक छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और एक छोटे चम्मच हमें इसमें मैदा डालना है। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ मैं, और ये जो मसाला है इसे हमें हाथों से अच्छे से मिला देना है। तो ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन पीसेस ले रही हूँ जो कि 750 ग्राम है, और इसमें ये जो सारा मसाला मैंने मिलाया है इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। चिकन पीसेस पे आपने हाथों से अच्छे से मसाला लगा देना है और 20 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें तेल गरम करना है, उसमें हमें दो मीडियम साइज की प्याज को स्लाइसेस में काट कर इसे फ्राई कर लेना है। इस प्याज को हमें बिल्कुल सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी बना लेना है इसे। तो ये प्याज इस तरह की फ्राई हो चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल कर फैला कर साइड पे रख दीजिए। और अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हमें एक एक कर ये जो चिकन पीसेज हैं उन्हें फ्राई कर लेना है। तो बस मसाले को अच्छे से कोट कर इसमें डाल दीजिए और इन चिकन पीसेस को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। हाई फ्लेम पे ही 5-6 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तो जब इस तरह का चिकन पीसेस ये फ्राई हो जाए तो इसको साइड पे कर लेना है हमें, और तेल उसमें से कम कर लेनी है और अराउंड 125 ml तेल गर्म करना है। उसमें एक बड़े चम्मच साबुत जीरा और दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। जब अदरक लहसुन की पेस्ट भुन गई है तो इसमें मैंने दही डाली है जो कि हाफ कप है, और इस दही को मैं इसमें मिला चुकी हूँ। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो फ्लेम मीडियम की हुई है मैंने, और अब मैं इसमें एक बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर और आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाली है। अब जब ये मसाले डाल दिए हैं तो फ्लेम हाई कर दे रही हूँ मैं, और इन मसालों को हमें थोड़ा भून लेना है जिससे इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और दही में ये बहुत अच्छे से भुन सा जाए। तो अब जब ये मसाले मिल गए हैं तो अब मैं इसमें तली हुई प्याज डालूंगी जो कि मैंने पहले ही फ्राई करके रखी थी। तो यहाँ पे आधा हिस्सा हमें डाल देना है, थोड़ा क्रश करके डालिएगा, और बस यहाँ पे वापस से हमें इस मसाले को भून लेना है। तो दही का अच्छा काफ़ी मॉइस्चर रिलीज हो जाता है, इसीलिए फ्लेम हाई करके आप इस मसाले को 4-5 मिनट तक भून लीजिए। जब आपका मसाला थोड़ा भुन चुका होता है तो हमें इसमें करी पत्ता ऐड करना है, साथ में हरी मिर्चें, साबुत डालनी है, और प्लस चिकन मसाला एक बड़े चम्मच हमें ग्रेवी में भी डालनी है, और साथ में मैं कैप्सिकम भी ले रही हूँ इस तरह से डाइसेस में काट कर। और वापस से हमें 4-5 मिनट तक इस मसाले को भून लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है ग्रेवी से। तो लगातार अच्छे से मसाला जब भुन चुका है, 4-5 मिनट हो गए हैं इसको भुनते हुए, तो अब फ्राई किया हुआ सारा चिकन पीसेस इसमें डाल दे रही हूँ मैं, साथ में एक बड़े चम्मच कसूरी मेथी और एक बड़े चम्मच हमें इसमें वापस से शेजवान डालना है, और फिर से हमें इसे मिला देना है। तो यहाँ पे चिकन 65 की जो ग्रेवी बन रही है उसमें ये सारी चीज़ें डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लास्ट में फ्लेम हाई कर 4-5 मिनट तक जब ये सारी चीज़ें डल गई हैं तो हमें भून लेना है। जब ये बहुत अच्छे से मिल जाता है तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी लगाने के लिए 1 से 1.5 कप पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए सारी चीज़ों को। तो अब मीडियम फ्लेम पे मैंने पानी डालकर इसे 4-5 मिनट तक और कुक कर लेना है। तो लिड लगाकर मैं इसको कुक कर लेती हूँ और ये बिरयानी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी चिकन 65 की। तो यहाँ पे बस ये हो चुका है, इसको साइड पे करते हैं और चावल रेडी कर लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए मैंने पानी गर्म किया था, इसमें कुछ साबुत मसाले जिसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 4-5 हरी इलायची, प्लस इसमें लहसुन की कलियाँ बारीक काट कर डाल रही हूँ मैं, नमक, और इसके साथ ही शाह जीरा। इसमें हमें एक बड़े चम्मच तेल भी डालना है, और साथ में हमें एक बड़े चम्मच चीनी डालना है। पानी में ये सारी चीज़ें डालनी हैं। इसके साथ ही वॉश कर भिगोया हुआ चावल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिया था जो कि 1 घंटे से फूल रहा था, और ये सारा चावल यहाँ पे डाल देने के बाद में हमें इसे कुक कर लेना है। तो चावल क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सोक हुआ हुआ रहता है इसीलिए इसको बस 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो इस चावल को हमें 80-85% कुक करना है, और उसके बाद में इसको छान कर साइड पर कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा लेयरिंग है, जिसके लिए सबसे पहले नीचे सा तेल डाला है और उसमें मैं अब चावल की लेयर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे चावल की अच्छी सी हमें नीचे बेस में भी लेयर लगानी है, और उसके बाद में जो ग्रेवी है हमारी चिकन 65 की वो हमें लगा देनी है। तो इस तरह से ग्रेवी भी स्प्रेड कर लगाइए, पीसेस विद जो मसाला है वो अच्छे से स्प्रेड कर दें।
पहली लेयर लगा दी है मैंने, और अब मैं इसके ऊपर तली हुई प्याज स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह से लगा दी है मैंने, और वापस से इसे कवर करेंगे चावल के साथ में। तो मैं इसको दो लेयर में फिनिश कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे दो स्टेप कर लीजिएगा, जिससे इवन जो है लेयर बन जाती है। तो सेकेंड लेयर भी हमें वापस से पूरा जो ग्रेवी मसाला वगैरह है सब डाल देनी है हमें अच्छे से इसमें, और एक जगह पे ये इकट्ठी नहीं रहे, हमें इसे स्प्रेड कर देना है, और वापस से हमें कवर कर देना है सारे बचे हुए चावल से। इस तरह से यूं ले ऊपर वाली लेयर को जो है आपने लेवल कर देना है, और ऊपर से हमें वापस से डालना है वो तली हुई प्याज और थोड़ा सा फूड कलर। और लास्ट में खुशबू के लिए मैं इसके ऊपर भी गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, और बस अभी हमें इसको लिड से कवर कर देना है और 20 मिनट के लिए तवा लगाकर दम दे देना है। 20 मिनट में हमारी बिरयानी दम होकर तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट बने हैं ये, खिले खिले से चावल हैं, खुशबूदार सी चिकन 65 बिरयानी बनी है फ्रेंड्स। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। प्रोसेस अलग है, इसीलिए इसका टेस्ट और जायका बहुत ही उम्दा होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरी वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और आसान रेसिपी लेकर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।